बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक यमनी को गिरफ्तार किया गया है। मैं आप साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसलिए भाई कि इसने काम ही कुछ इतना घटिया किस्म का किया है। मैंने ये खुद से ये खरीदा है जी शायद, इस तरफ मैं आपको उसके मुतालिक कुछ वीडियो या पिक्चर दिखा रहा हूँ। आप भाई के साथ एक मुकम्मल तफसील से मैं यह वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि जो भाई आपको पता है जी ये डब्बे जिनको पालतू मक्खियाँ बोलते हैं वो लगाकर बैठे होते हैं, उनसे शहद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या उनका शहद किस टाइप का होता है, किस किस्म का होता है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है और खुद से खरीदा भी है, तो आपको वो मनाजर भी दिखा दूंगा। अभी बात कर लेते हैं इस यमनी की गिरफ्तारी के ऊपर। इसका भाई इस बंदे के साथ जिसने ये मक्खियां वगैरह रखी हुई थी, 100 से ज्यादा बॉक्स बोले जा रखे हैं, और एक बॉक्स में आपको पता ही मेरे हिसाब से सैकड़ों के हिसाब से या हजारों के हिसाब से मक्खियां होंगी। इस बंदे की बहस चली है या लड़ाई झगड़ा हुआ है उस बंदे के साथ। उसके बाद यहां पर इस यमनी की मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रखा हूं, इसने वो तमाम तर बॉक्स जिनके अंदर मक्खियां होती हैं जी उनके ऊपर कोई भी चीज छिड़की है, पेट्रोल छिड़का या कुछ और, उन तमाम को आग लगा दी है। मसला ये नहीं है इसका झगड़ा उसके साथ हुआ है, ये उनको छोड़कर चला जाता है, ये वैसे गिरा कर चला जाता है, मक्खियां उड़ जाती। मसला ये बना है कि इसने आग लगाई है, तमाम तर मक्खियां जली हैं, कुछ भाग गई हैं, कुछ जल गई हैं, उनके अंदर जो उनके बच्चे वगैरह थे वो भी जल चुके होंगे। तो इस चीज के ऊपर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे हिसाब से अभी इसको अच्छा खासा फाइन और अच्छी खासी जेल होनी चाहिए। बाकी आपका झगड़ा अगर किसी के साथ है तो उसके साथ रखें भाई, जानवर का इसमें क्या कसूर है, कोई भी किसी किस्म की जानदार चीज ले लें आप।